Hey, what's up my YouTube family? Welcome back to my channel. मैं हूं आपका रोहित एंड आप देख रहे हैं रोहित नेचुरल बॉडीबिल्डिंग. मैं हूं एक नेचुरल एथलीट एंड एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर. आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं. तो मैं रिसेंट वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं एक छोटा सा बेंच खरीदा हूं जो कि मुझे 2500 रुपए पड़ा था. मतलब पोर्टेबल बेंच था, उसमें आप वेरिएशन लगा के वर्कआउट भी कर सकते हैं. बहुत सारे वर्कआउट प्लान भी उससे मैं करके आपको दिखाया था. मगर बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि भाई हमें कुछ उससे अच्छा दिखाओ जिसका ड्यूरेबिलिटी हो और अच्छा खासा हम इसमें वेट भी डाल के वर्कआउट कर सके. तो मैं आज आपको 3 टॉप बजट जिम बेंच के बारे में बताऊंगा जो आपके बजट में होगा और आप इजीली इसको घर पे लाके वर्कआउट भी कर सकते हैं. दोस्तों फर्स्ट आता है आयरिस कार्बन स्टील जिम बेंच. दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन जिम बेंच है. इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसे कि लेग कर्ल आप कर सकते हैं, पीचर कर्ल कर सकते हैं. आप ये जो बेंच है इसको आप एक इंक्लाइन डिक्लाइन एंड फ्लैट पोजीशन पे भी आप रख के इसको वर्कआउट कर सकते हैं. तो वेरिएशन वर्कआउट आप कर सकते हैं. आपका चेस्ट का वर्कआउट हो, लेग्स का वर्कआउट हो, आर्म का वर्कआउट हो, सारे वर्कआउट आप इजीली कर सकते हैं. तो इसका प्राइस मुझे अमेजोन पे अभी 6000 दिखा रहा है, मगर ऑफर टाइम पे ये आपको 5500 में भी मिल जाएगा. दोस्तों इसमें कार्बन स्टील का मटेरियल यूज किया गया है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है. और इसका अगर लेंथ बताऊँ तो ये लगभग 4 से 5 फीट का बेंच है. आपको अगर घर पे रख के वर्कआउट करना है तो इतना दिक्कत नहीं होगा. तो इजीली आप किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं. तो ये बेंच का वेट कैरिंग कैपेसिटी है 150 kg. तो मतलब आप 150 kg तक इसमें वेट रख के वर्कआउट इजीली कर सकते हैं. तो दोस्तों नंबर 2 पे आता है ब्राइट फिटनेस मल्टी जिम बेंच. दोस्तों ये बेंच बहुत ही अच्छा है आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि ये आपको 4500 से 5000 के अंदर मिल जाएगा ऑफर के टाइम पे. अगर इसका क्वालिटी बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो बेंच है मेरा दोस्त रिसेंटली खरीदा है. तो उसका भी मैं देखा, उसका जो क्वालिटी देखा बहुत ही अच्छा था. तो आपको 4 से 5 फीट के अंदर ये बेंच का लेंथ आपको पड़ जाएगा. आप इसे कहीं भी इजिली रख के कर सकते हैं. यहाँ पे दोस्तों आपको पीचर कर्ल करने के लिए जो मैकेनिज्म है नहीं मिलेगा, मगर लेग कर्ल आप कर सकते हैं. और इसमें आप डंबल वेरिएशन से इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट पोजीशन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं. इसका जो मटेरियल यूज किया है यहाँ पे अलॉय स्टील का, और जो फोम है, जो इसका सीट का जो फोम है बहुत ही अच्छा है. कुशनिंग के बात करूँ तो आपको एक कंफर्टेबिलिटी मिलेगा. आप वर्कआउट के टाइम पे 250 kg वियर कर सकता है. दोस्तों नंबर 3 पे आता है स्पोटल फोल्डेबल मल्टी जिम प्रेस बेंच. दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और ड्यूरेबल बेंच है. आपको अमेजोन पे ये 6500 के पास मिल जाएगा. बेंच का क्वालिटी ज़बरदस्त है, और इसका अगर फोम क्वालिटी, इसका सीट का जो कुशनिंग है इसके बारे में करूँ तो डेफिनेटली आपको एक कंफर्टेबिलिटी मिलेगा, और आप इजीली इसमें 150 kg तक वेट रख के इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट कैरिंग कैपेसिटी लोड बहुत ही अच्छा है. तो ये फोल्डेबल होने के कारण आप इजीली इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, और आसान तरीके से आप अपने चेस्ट का हर एंगल से वर्कआउट कर सकते हैं जैसे कि इंक्लाइन डिक्लाइन वगैरह. और इसमें आपको लेग कर्ल करने के लिए भी मैकेनिज्म मिल जाएगा जो कि अगेन आपके लिए एक प्लस पॉइंट है. तो इसका जितना भी मटेरियल यूज किया है सब अलॉय स्टील का है और बहुत ही बेहतरीन है. कस्टमर रिव्यू की बात करूँ तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कस्टमर रिव्यू मिला है, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है. तो डेफिनेटली आप इसको ला के अपने वर्कआउट इससे कर सकते हैं दोस्तों.